नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जी जनाब, हम हिंदुस्तान में ही हैं, 21वीं सदी का भारत। हम विकास पथ पर दौड़कर आगे बढ़ रहे हैं, पर ये क्या महज चंद पैसों के लिए अपने घर की नाबालिग बच्ची को भी बेच रहे हैं? जी हाँ, यह भी हमारे समाज की एक तस्वीर, हाथों में सजी मेहंदी, चूड़े के साथ थाने में बैठी ये महज 14 साल की मासूम फिरोजाबाद के सहजलपुर की रहने वाली ये अभी शादी का मतलब भी नहीं समझती होगी ये लड़की। इन रस्मों के बाद आने वाली जिम्मेदारी का बोझ कितना भारी है इस बात से भी अनजान होगी ये बच्ची। पर रिश्तों को तार तार करती इसके ताऊ की हरकत ने इसके साथ साथ पूरे समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। इसके पिता की माने तो इसके सगे ताऊ ने महज कुछ रुपयों के लिए इसका सौदा फिरोजाबाद के ही गाँव स्यारमऊ के व्यक्ति से तय कर दिया, जो उम्र में लड़की से 4 गुना बड़ा है। रस्मों के साथ सीधे गेस्ट हाउस में इनकी शादी भी कर दी गई। पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो हरकत में आई शिकोहाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले में कामयाब रहे। फिलहाल तो बात सामने आने के बाद बाल विवाह को रोक लिया गया, लेकिन मीडिया की पहुंच से दूर न जाने कितनी ही नाबालिग लड़कियां आज भी इस कुप्रथा की शिकार बना दी जाती हैं। कारण है शिक्षा का अभाव और पैसों की तंगी। अब इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार के साथ समाज को भी तैयार रहने की ज़रूरत है, जिसके चलते इस तरह के आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त तक पहुंच सकें। सहजलपुर की मुझे वो ताऊ वगैरह आए थे घर पे, और कुछ लड़का की तरफ से लड़के भी थे आए थे, वो मुझे साथ में ले गए थे। उसके बाद मेरे पापा पहुंचे थे वहाँ पे, लेकिन लड़का नहीं था वहाँ। उसके बाद में मेरे पापा वहाँ पहुंच पाए थे ना, उससे पहले मुझे ब्यूटी पार्लर पे ले गए थे, लेकिन मैं पापा को नहीं मिली। शादी से पहले से तय हुई होगी ना? नहीं, कुछ नहीं था। लड़का कैसा था? लड़का कुआं था। कितने उम्र? उसकी हो गई 50-60 साल का, ऐसा ही लगता है। 50 साल? हाँ। फिर आपने मना नहीं किया शादी के लिए? हाँ, मैं रोई थी, मना किया, लेकिन धमका दिया था। कब, कैसे पता चला 50 साल का है? कब देखा आपने? मैं जयमाला लेके जा रही थी, जब देखा जयमाला में देखा है। हाँ। फिर जयमाला डालने गई, फिर मैंने डाली नहीं, मैं जयमाला वही डाल के और भगे आई थी वहाँ से। कंगन बंगन हाल क्या हाल बनवाए जी? घर दिया गया, मेरा भाई था साथ में, और लोग साथ में थे, उनको लेके गए यहाँ से गेस्ट हाउस में। वो मतलब उनने हमारे साथ धोखा किया, मैंने कुछ कह नहीं पाते थे।